Myself Sardar Singh, Associate Professor Geography, SPC Government College. Good morning विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे BA Part 3, Unit 1, राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश. जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि राजस्थान की जलवायु को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे पर्वतों की ऊंचाई, पर्वतों की दूरी, पर्वतों की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वनस्पति, पर्वतीय भाग, धरातलीय उच्चावच, मिट्टियों की प्रकृति, वनस्पति का वितरण, ये सारे के सारे तत्व हैं वो राजस्थान की जलवायु को डिटरमिनेट करते हैं, निर्धारित करते हैं. राजस्थान के अंदर जैसा कि विद्यार्थी आप जानते हो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय या गर्म जलवायु पाई जाती है. राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला है वो सबसे ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, जब भी दक्षिण पश्चिम में मानसूनी हवाएं चलती है, अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलती है और जैसे ही राजस्थान के अंदर उनकी एंट्री होती है तो अरावली पर्वतमाला उनके पैरेलल है और पैरेलल होने के कारण जो मानसूनी हवाएं आती है वो उसके समानांतर होकर के आगे की ओर निकल जाती है, इसलिए राजस्थान के काफ़ी जिलों में इसके कारण बारिश नहीं हो पाती है. यानी राजस्थान की जो जलवायु है वो अरावली पर्वतमाला से भी निर्धारित है. इसके अलावा सूर्य की क्या स्थिति रहती है, समुद्र तल से क्या ऊंचाई है, समुद्र से कितनी दूरी है, वो भी राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करती है. राजस्थान की जलवायु को मोटे तौर पर कोपेन मोदे ने, व्लादिमीर कोपेन ने चार भागों के अंदर डिवाइड किया और उसमें सबसे पहला है AW. AW का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश. इसके अंदर राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले आते हैं. यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश जलवायु देखने को मिलती है. इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर एक तो बारिश यानी वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है. इसके अलावा टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहते हैं. उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन यहाँ पर पाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर वायुमंडल के अंदर काफ़ी नमी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, तो उसके कारण यहाँ पर आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है. इसमें मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग, झालावाड़ और कोटा जिले प्रमुख रूप से आते हैं. विद्यार्थियों, दूसरे प्रकार की जो जलवायु है वो है BSHW, जिसको कोपेन मोदे ने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा. ये जलवायु प्रदेश अरावली रेंज के अंदर स्थित है और अरावली रेंज जो कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 550 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है और यहाँ पर अर्ध शुष्क प्रकार के वन देखने को मिलते हैं. अर्ध शुष्क प्रकार के वन ऐसे होते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसमें नीम है, करंज है और इसके अलावा धोक है या बरगद है, यानी बहुत सारे मिक्सित रूप से यानी मिश्रित पतझड़ वन यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं इस रेंज के अंदर. और इसके अंदर जिलों की दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग और इसके अलावा पाली, अजमेर और इधर नागौर और जालौर, ये पूरे पूरे जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आते हैं. और इस एरिया में अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है. तीसरा प्रकार का विद्यार्थियों जो रेंज है वो है BWSW जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु. ये राजस्थान के सुदूर पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर विद्यार्थियों आपको पता है कि उच्च तापमान, अधिक रेतली मिट्टी, मरुस्थलीय भाग, कंटीली झाड़ियाँ, वर्षा की न्यूनता इत्यादि के कारण यहाँ पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है. यानी टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाए जाते हैं. वर्षा की मात्रा 10 से 20 सेंटीमीटर तक पाई जाती है. यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है, अर्ध शुष्क प्रकार की झाड़ियाँ या कंटील यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. यहाँ
पेड़ों की जो छाल है वो काफ़ी मोटी होती है, गुदेदार होती है, तो इस तरह की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट है CWG यानी शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश। विद्यार्थियों ये प्रदेश राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भागों के अंदर देखने को मिलते हैं और इस क्षेत्र में चंबल नदी और उसकी सहायक नदी, बनास नदी और उसकी सहायक नदी इत्यादि ये प्रवाहित होती रहती है और इसलिए इस प्रदेश के अंदर शीत की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है और इस प्रदेश के अंदर सघन वनस्पति पाई जाती है, कछारी मिट्टियाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रदेश के अंदर जो है काफ़ी सघन वनस्पति देखने को मिलती है और इसीलिए इसको शुष्क शीत ऋतु जलवायु वाला प्रदेश कहा जाता है, जो कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग से लगा करके और दक्षिणी पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और इसके अलावा जयपुर का दक्षिणी भाग, भीलवाड़ा, उत्तरी चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा जो माउंट आबू का क्षेत्र है यानी सिरोही जो एरिया, इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।